सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बजाइए बेल आइकन और रहिए सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। आज हमारे पोल्ट्री का 29वां दिन है और कल हो सके, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कल मेरा पोल्ट्री फार्म बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पोल्ट्री है अब एक आध दिन के मेहमान है, कल से ज्यादा ये टिकने वाले नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ 1 kg 800 ग्राम जो है वो एवरेज कल जाने की पूरी उम्मीद है। और बात कर लेते हैं फीड इंटेक की। कल एक कमेंट आया था तो मैंने बोला था कि कल वाला अगर वीडियो बनेगा ट्रेनिंग वीडियो तो उसमें फीड इंटेक जरूर बताऊंगा। तो मैं बताने वाला हूँ कि लगभग 2 kg पोल्ट्री करने के लिए आपको 3 kg जो है वो फीड खिलाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 3 kg फीड रहेगा उसको खा करके अच्छे तरीके से अगर फार्मिंग करते हैं तो 2 kg आपकी पोल्ट्री जो है वो हो जाती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, कहीं से कॉपी किया हुआ या फिर कहीं से देखा हुआ बात नहीं है, ये मेरे खुद के फार्म की है। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं 1 kg 700 750 आज जा रहा है, तो कल तो बिल्कुल 800 तक कंफर्म जो है वो पोल्ट्री मेरा चल जाएगा है। और बात कर लेते हैं फीड की, तो फीड में दे रहा हूँ मैं फिनिशर, चूंकि अभी लास्ट वाला दिन है। और दवा की अगर बात कर लेते हैं तो मैंने आज दिया था सादा पानी। दिन वगैरह काफी साफ सुथरा था, ना बारिश आई ना वैसा कोई धूप भी ज्यादा करा नहीं था, तो मैंने बिल्कुल सादा पानी देने का इसको फैसला किया है। चूंकि जब लास्ट लास्ट होता है तो ज्यादा दवाई पे मैं जोर नहीं देता हूँ, ठीक है। एक दिन में आपका पोल्ट्री कुछ कोई भी दवा दे दें तो उतना ज्यादा कुछ ना गेन करेगा ना लूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सादा पानी दिया है इसे। तो आप भी अगर पोल्ट्री बेचते हैं, जब बेचना जब से स्टार्ट, खास बात आपको एक और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी पोल्ट्री आप बेचना स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा लॉट है, जैसे कि 2000 3000 5000 10000, बहुत अलग अलग तरह के फार्मर रहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कम मुर्गियां है, ठीक है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी तब तो ठीक है, अगर 3-4 दिन वाले बात है तो उसमें आपको जो है वो जो भी आपको रिटेलर जो है वो खरीदने आएंगे उनको अपने फार्म में जो है वो घुसने नहीं देना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर होलसेलर आते हैं तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां रहती हैं अलग अलग फार्म में घूमी हुई रहती है, अलग अलग तरह की मुर्गियां लाती है, कोई मुर्गियां बीमार भी रहते हैं, कोई बैच उसको भी वो लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा और गैर किसी को भी अपने फार्म में जो है एंट्री नहीं देना है, और चाहे वो हमारा रिटेलर ही क्यों हो। रिटेलर जो लोग होते हैं जो कि अपना स्टोर खोले रहते हैं, उन लोगों को तो खास करके अपने फार्म में जो है वो एंट्री जो है वो नहीं देनी चाहिए। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है, आप खुद ही निकाल करके पोल्ट्री उन लोगों को दे सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो फीड इंटेक मैंने बता दिया, दवाई मैंने बता दिया, फीड आप लोगों को पता ही है, वेट मैंने बता दिया, एवरेज वेट मैंने बता दिया, और कल जो मेरा प्लानिंग है उसको भी मैंने बता दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में और कुछ बताने के लिए बचा है। तो फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए और हमारे मेंबर बनिए, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड जो है वो करवा दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।